Finally. Hi. आई होप आप लोग मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही हो. अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो आप मुझे एक कॉमेंट में लिख देना. सो बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम मुझे आई जस्ट डू नो वे टू सिट इन डू दिस. प्रणाम सभी को. पहली बार मैं शुरू करने जा रहा हूँ. जिस चीज़ ने मुझे सबका प्यार दिया है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, संगीत, म्यूज़िक. आज पहली बार मैं यूट्यूब में उसे एक सम्मान दे रहा हूँ रियाज के द्वारा. हाँ, मैंने लाइव कॉन्सर्ट तो किया ऑफकोर्स, लेकिन रियाज एक अलग दुनिया होती है. रियाज एक प्रार्थना होती है. उसको मजीद लगा हाँ आपको मेरी आवाज़ सॉरी या रियाज एक प्रार्थना होती है. बहुत जो लोग नेचुरली आज हैं यहाँ पर वो जानते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. कभी कभी रियाज करते करते आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी कभी गला भर आता है. और हर म्यूजिशियन, चाहे वो बजाने वाला हो या गाने वाला हो, अंदर से बहुत अलग कन्फिग्रेशन होती है सबकी. थोड़े टेढ़े होते हैं ना, इमोशनल होते हैं, आत्मसम्मान बहुत होता है सब में. नमस्ते सबको. मैं सबके नाम नहीं लेगा क्योंकि उसमें वरना मेरा बोलने में ध्यान नहीं जाएगा. रियाज के बहुत तरीके होते हैं. सबकी अपनी अपनी आवाज़ों के अलग अलग तरीके होते हैं. पहले तो आपको रियाज की कल से पहले इस मोमेंट पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं, उसके पीछे हमारी क्या सोच है. हमारा एक ऐसा साज है जो हमारे शरीर के अंदर में है. कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग. हाउ लकी आर वी कि हमारा साज हमारे साथ पैदा हुआ और हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा. ये हमारा अपना है. किसी और का कीबोर्ड कोई और इस्तेमाल कर सकता है, पर ये आवाज़ सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो इसको लेकर पैदा हुआ है. सो अपनी अपनी आवाज़ों को बहुत इज्जत कीजिए और धन्यवाद दीजिए खुदा को, भगवान को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स को, कि आप म्यूज़िक को समझ भी पा रहे हैं. और कुछ लोग होते हैं जो म्यूज़िक से कोई उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, और एक आप और हम हैं जो म्यूज़िक को समझ पा रहे हैं. हम बिना गाए भी अपने कान में गाना गा सकते हैं, अपने दिमाग में गाना गा सकते हैं, और हमें हमारे कान में उसकी आवाज़ आती है ना आप लोगों को भी, है ना. कमाल है, हम गाते नहीं हैं लेकिन हमारे दिमाग में गाना चल रहा होता है. इट्स सच ए ब्यूटिफुल फीलिंग. रियाज के मैंने कहा आपको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका सारे बड़े लोगों ने सिखाया है, समझाया है, वो है सुर लगाना. एक सुर को लगाना. ये भी मैं भी आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ चीज़ों को. मैं भी समझता था कि शायद बहुत ज़्यादा हरकतें लेने से या बहुत ज़्यादा ताने मारने से सिंगर अच्छा होता है, बड़ा होता है. लेकिन जिस सुर में, जिस सा लगाने में आपकी रूह ना दिखे, वो सुर किसी काम का नहीं है. मैंने सी शार्प का तंत्र लगा रखा है इसमें. आई तबला प्रो ऐप है. आपका बजा रही होप सो. मेरे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब और मोहम्मद ताहिर जी, जिनसे मैंने शुरू में सीखा था कुछ समय, उनसे जो जो थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मैंने इतना नहीं सीखा, मुझे इतनी रागदारियाँ नहीं पता.
मैं बहुत ही कम जानकार हूँ रागों के मामले में और कुछ, और मेरे से बड़े बड़े बहुत खास साहब पढ़े हैं, तो जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं आपके सामने उसका घमंड नहीं करूँगा या उसके बारे में झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं आता मुझे इतना कुछ, मैं सिर्फ सुन 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 के सीखा है मैंने, पर मुझे वॉइस कल्चर की थोड़ी समझ है कि आवाज़ को किन किन तरहों से निकाला जा सकता है। शायद आपने मेरी इमिटेशन जो देखी है, अगर मैं लोगों की नकलें उतारता हूँ तो वो इसकी वजह से, क्योंकि मुझे थोड़ा वॉइस कल्चर की समझ है। ऑफ कोर्स सीखता रहता है इंसान, आजकल भी मैं नई नई आवाज़ें सीख रहा हूँ, अकेला बैठा हूँ तो ये सब करता रहता हूँ। मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो एक बार सुबह से चालू होता है तो फिर मैं शाम तक वही आवाज़ की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, विच बिकम्स वेरी इरिटेटिंग, बट दैट्स अबाउट वॉइस कल्चर। तो काफ़ी लोग रियाज़ करते हैं। अच्छा, हम लोग ने सी शार्प यानी कि काली एक सुर लिया हुआ है। आप चाहें तो अगर आपके पास में अपना तानपुरा है तो आप उसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। यमन राग में मैंने लगा रखा है इसके स्वर, इसके जो हार्प है, स्वर तरंग जो है इसके। पहली बात, हमेशा जब रियाज करें, रियाज से पहले छाती को, ये छाती का केला, छाती ऐसे, सांस को रोकिए, ऐसे छाती भर के सांस को रोकिए, क्योंकि ये काम छाती का है। जितना करेंगे और प्रैक्टिस हुए तो फिलहाल, जब आप अकेले बैठेंगे तो ये सब पढ़ते रहना। अभी हम लगाएंगे सिर्फ सा, लगाएंगे सा सा। अब दो तरीके इसके हैं, एक तो है सारे गामा बदानी जाए, बहुत अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन लोग ये कहते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक में भी कहा गया है कि जिस आवाज़ में आप बात कर रहे हैं तो उस उतने ही लेवल में आप गाएं। तो जो लोग बहुत लाउड बात करते हैं फिर वो लाउड गाएं, और जो लोग सॉफ्ट बात करते हैं तो सॉफ्ट में गाएं। तो मेरे लिए बनता है ऐसा, और एक तो स नहीं होगा, हम बोलेंगे ना सा भी नहीं करेंगे, बीच करेंगे, ये भी तकनीक है। इसको भी कुछ लोग बड़े बड़े खास साहब लोग, मैंने भी काफ़ी कर रखा है इसको, इसको ऐसे लाल के और ये बात की बात है, बात की बात है, ठीक है। तो हम सिर्फ सा लगाएंगे, कुछ नहीं कोई यहाँ पे आप उम्मीद नहीं करना कि मैं यहाँ पे कुछ पलटे वलटे मारूंगा। रियाज का मतलब होता है आवाज़ का वॉल्यूम, आवाज़ को खूबसूरत करना। वो सब ताने पलटे तो हमको गानों में मिलते रहते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन सही सा लगाना ये, और बाय द वे सही कुछ भी नहीं है, सबके लिए अलग अलग होता है। जो मुझे काम करता है मैं आपको वो बता रहा हूँ किस, और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं जो मैं कह रहा हूँ आपको। अपना रियाज का तरीका आप खुद सोचिए, खुद समझिए कि मुझे क्या सूट करता है। मेन बात यह है कि आपकी आवाज़ का वॉल्यूम बहुत लाउड नहीं होना चाहिए और हवा गले से नहीं निकलनी चाहिए, जैसे आ ये रॉन्ग है, इट शुड बी आ, ये भी नहीं आ, ये ना बहुत लाउड है ना बहुत कम है। तो अब हम लोग सब मिलके इस लॉकडाउन को फ़ायदा उठाते हुए, जब हम याद, मैंने लिखा है इसका सिंग एंड प्रे विद सोनू, उसका मतलब ये है कि जब ये रियाज करते हैं तो ये सिर्फ रियाज नहीं होता, ये एक प्रार्थना भी होती है। तो ये प्रार्थना समझ लीजिए, हम लोग मिलके करेंगे, अभी हमारा रियाज भी होगा और हम जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें क्रिएट किया है, उसकी तरफ हमारा समर्पण भी होगा, सरेंडर भी होगा। वी विल ऑल बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ आर क्रिएटर्स एंड इवोक द हायर स्पिरिट्स इनसाइड आवर बॉडीज। सा
और याद भी सब मैं गौर से करूँ। जब भी आप सा लगाएं नाक से सांस लीजिए और भर के सा मत कीजिए सर। खींचिए जितना खींच सकते हैं गला यहाँ पे आके। अगर आप सा छोड़ देंगे सा तो आपके गले की मसल्स जो हैं वो खींचेंगे नहीं और वोकल कॉर्ड सही जगह पे एडजस्ट नहीं होंगे। मुझे ये काम करना, मैं ऐसे करता हूँ। नाक से सांस समझ रहा मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि ये उन लोगों के लिए शायद इतनी इम्पोर्टेंट क्लास ना हो जिनको गाने का शौक ना हो, पर जो लोग वाकई में गाना चाहते हैं, गाने की कोशिश करते हैं, मेरी तरह सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, उनके लिए ये टाइम है। तो ये हमारा बॉन्डिंग टाइम है। आपके सामने तो मैं हूँ नहीं, पर आज आपका और मेरा जो रिश्ता बनेगा वो बहुत खास रिश्ता बनेगा। ठीक है, अपने आप शांत कोने में जाके मेरे साथ बैठिए, थोड़ा सा रियाज कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू। और गानों की उम्मीद नहीं करना, मैं गाने गाने के लिए नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, ये इस समय हम लोग गानों से ऊपर का काम कर रहे हैं। मैं करूँ, आप करते रहिए करते रहिए, मैं आपसे बातें करता रहूँगा, पर आप सा लगाते रहिए, अपना सा लगाते रहिए। मैं ज़िंदगी में एक ही बार और आखिरी बार मिला था किशोरी मुनकर जी से, जो वन ऑफ दी बेस्ट एवर क्लासिकल सिंगर्स इंडिया के रही हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा सिर्फ सा लगा, एक सुर पकड़ के बस, वरना वो ये बोलती कि बेटा पलटो रियाज कुछ करो, वैसे मुझे बोलती तो इतना अच्छा गा। तो जो भी उन्होंने मेरी तारीफ की, उनको मेरा गाना पसंद था अभी मुझ में कहीं, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा सिर्फ सिर्फ सा लगा। और मैं आप समझा कि बड़े लोग जो होते हैं उनका रियाज ज़्यादा पुख्ता होता है और वो पहले बेसिक रियाज करते हैं, सा लगाते रहो सा लगाते रहो सा लगाते रहो, वो बेसिक रियाज करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ईगो को दिखाने के लिए, फुलफिल करने के लिए रियाज नहीं करते, उनका रियाज बेसिक होता है। गाते रहिए, गाते रहिए। सुर लगाने का की एक्सपर्टीज पूरी जिंदगी कभी नहीं आती। मैंने मेरे जो पहले गुरुजी थे मोहम्मद ताहिर जी, उन्होंने मुझे बताया था कि बाला मुरली कृष्ण जी ने एक बार 60-65 की उम्र में आकर कहा, वो भी बाला मुरली कृष्ण जी कर्नाटिक म्यूजिक के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि अब जाके मुझे सा लगाना आ रहा है, मतलब आया नहीं है आ रहा है। अब ये सब कहानी है या कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं, पर बात तो फैक्ट है। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते गायकी में, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ कर सके वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोग जब गाएं तो ये सोचें हम कुछ अचीव करने के लिए नहीं गा रहे, हम रियाज़ कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे, हम रियाज़ रियाज़ के लिए कर रहे हैं, बस हमें मज़ा आ रहा है इसलिए रियाज़ करते हैं। क्या शांति मिलती है, देखिए आप
लाउड मत गाना, अपने आप खुद चेक करना, आई कांट हेयर यू गाइस, सो जस्ट डोंट सिंग लाउड, ओके। और बहुत सॉफ्ट, और हवा ना निकले, सा नहीं होगा ऐसा, ठीक है। खुद को चेक करना, यू नॉट अराउंड मी सो आई कांट, आपके कान नहीं पकड़ सकता मैं, तो आप इसलिए सा ये रखना। जैसे रिमेंबर किशोर कुमार जी, कुछ तो लोग कहेंगे आ ए सा सा नी, ओके आ सा, और यही टोन में अगर आप बाद में चाहें तो यू कैन डू लिसन आप जिसको भी मानते हो, याद रखना आप अगर मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आप मानते होंगे ना, याद रियाज के वक्त में उनको लाइए अपने अंदर में। आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी, अगर माँ बाप को मानते हो तो माँ बाप को लाइए, अगर आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, याद रखना उनको रियाज से दूर मत रखना, उनको रियाज में लेके आना। वो रियाज में आएंगे आपके, तो आपको रियाज में और ताजगी आएगी और ज़्यादा आशीर्वाद आएगा आपको, दुआएं मिलेंगी आपको। मुंह खोलना नहीं करना, पी करो बार बार मैं खींचना जितना हो सके खींचेगा इसे। हाँ कोशिश कीजिएगा सुर सा का सा ऐसा ना हो, कोशिश करना कि जितना हो सके आपकी सीधे स्ट्रेट सुर लगे। कृष्णा कृष्णा फिर नाचे नमस्ते। मुझे पलथी मार के बैठने की आदत नहीं है, मैं उठा तो मेरा फोन गिर गया। रेस्टलेस मत होना, जो मैंने कहा इसको करते रहना, यू अंडरस्टैंड क्या कमाल का। ये बड़ा सुकून का काम है रियाज जो है, बताओ कि क्या। मेरे गुरुजी जब गुलाम अशरफ खान साहब मुझे सिखा रहे थे तो मुझे लगा था क्या है, एक ही चीज़ रोज़ रोज़ सिखा रहे हैं, कैसे ये सिखा रहे हैं, पर इतना विश्वास था कि बड़े हैं तो सही सिखा रहे होंगे नेचुरली। तो आपको भी लग रहा होगा कि क्या है करवा रहा सा
या से सा मत करना, जिस आवाज में बात कर रहे हैं वैसे सा, और सा बोलना, सा बेटा। मुझे जो कुछ सवाल आ रहे हैं मैं उसको जवाब नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि रियाज के रूप में मैं आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, और ना ही मैं खुद डिस्ट्रैक्ट होना चाहता हूँ। याद रखना सांस फुल के अंदर, हाँ कमाल की बात यह है कि अगर आप एक सुर के साथ में अच्छा सलूक करें तो सारे सुर आपके अपने हो जाते हैं, रेंज बढ़ जाता है, कमाल की बात है। पर ये ओवरनाइट नहीं होगा, आप जब ये करते करते, आप करें ना, मेरी बात सुनते हुए रुकना मत, मेरा वॉल्यूम लाउड कर दो ताकि खुद का सुर लगता रहे। इस आधे घंटे के बाद ही जब आप बात करेंगे तो आपको आपकी आवाज़ में एक वॉल्यूम आएगा, एक चेंज आएगा। एक बड़ा अच्छा वर्ड है, रियाजी लोग जानते हैं इस वर्ड को, आवाज़ में जुआरी बोलना। आवाज़ जो जो उसकी आवाज़ में रियाज होता है, उसकी आवाज़ में जुआरी बोलती है। चलो उसके बाद हम थोड़े नीचे जाते हैं। अब नी नी देखना इसको, सा नी मुनी नी नी है नी। ये जब हम गाते हैं तो शक्ल बन जाए अलग बात, क्योंकि हम एक्सप्रेशंस देते हैं, जैसे अब है सामने, यहाँ तो अब मैं अब है सामने, ये नहीं कर सकता मैं तो गाते हुए, तो वी हैव टू मेक फेसेस। बट जब रियाज करें तो कोशिश करें फेसेस ना बने, आपकी इजी ईज से आपका बने, जो भी आप गाएं। अब सा नी ये नहीं सा नी, कीप स्माइल ऑन योर फेस, नी 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 जब आप सुर लगाते हैं उसके बाद में कभी कभी आप जब रुकें तो वो जो सन्नाटा होता है वहाँ पे आपको भगवान का अपने पास होने का एहसास होना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं नहीं कर रहा, नहीं नहीं कर रहा मैं, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने गले को ईज दें, बजाय की ईज दें और बजाय की तकलीफ दें, और हमको अपने गले से, दिमाग से और दिल से दोस्ती करनी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, कि गला जो है
दिमाग और दिल से एक बराबर की दूरी में है, तो दिमाग भी आना चाहिए और दिल भी आना चाहिए गले में। डिस्टेंस बराबर का यहाँ से और यहाँ से। सो आपको अपने दोस्तों, अपनी दोस्ती करनी है आपको अपने गले से, अपने दिमाग से और दिल से। आपको अपने कंट्रोल में करना है इन तीनों को, ठीक है। सॉरी, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का या कॉम्प्लीमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बेचारे रियाज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं, क्योंकि जो लोग रियाज़ कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये टाइम निकाला, तो मैं चाहता हूँ कि उनको ही टाइम दिया जाए। बट कीप इट अप, थैंक यू। एक और बात याद रखना, कई बच्चे होंगे जिनकी आवाज़ बदल रही होगी, खास तौर से लड़के, लड़कियों की बदलती है ऑफकोर्स, तो ऐसे में रेंज ऊपर से नीचे आता रहता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की आवाज़ होती है मम्मी, फिर मम्मी 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 मम्मी, ऐसे आती है ना आवाज़, तो स्केल ऊपर से नीचे आता है। जहाँ पे जो कंफर्टेबल हो उसमें गाओ, ठीक है, चिल्लाना नहीं फालतू में, चिल्लाना नहीं, रियाज़ करते रहना चाहिए। और रियाज़ के टाइम पे बिना बात के गले को कष्ट नहीं देना चाहिए। रियाज़ का मतलब ये होता है कि इंसान 2-2.5 घंटे तक आराम से गा सके, कम से कम। लंबा खींचने की कोशिश करेंगे, अभी नी थोड़ा हिलेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे पुल करो, यहाँ पे पुल करना, नी नी कितना चाहिए था, हाँ नी। तो उसके बाद में जब वापस आएंगे तो कल आपका और अच्छी तरह इजीली आएगा। एक मिनट थोड़ा पानी पी लो, चुपचाप हल्का हल्का, कभी जब भी आप रियाज करने बैठे थोड़ा सा पानी हाथ में लेके चलो और कम कम सिप्स लेते रहें। इसमें क्या आपका जो आपने तक सा बोले, सा से जब आप नी पे आते हैं, नी, तो आप देखेंगे आपका गला ही बदल गया, आपका गला बदल जाता है। जो सा में अलग था, सा नी, यहाँ पे नेजल ट्रैक का आपका यूज़ आना शुरू हो गया। हमको ये साफ साफ करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जिससे आपका गला, कान, नाक, दिल, दिमाग सब आपके कंट्रोल में आएगा। नी, नी को नी नहीं बोला है, नी नहीं बोला है, ठीक है, नी। और याद से जब आप कुछ करें तो उसमें आप आवाज़ आपकी हिले ना, नी, ये समझ पड़े, ठीक है, नी। सामने होना चाहिए, नी नहीं होगा, ओके, नी ये नहीं आएगा, नी नहीं होगा, अब धा पे आएंगे, धा में आप देखेंगे आपको एक हा मिलेगा, हा जो कि छाती से आ रहा है आपका। नी का आप नाक का था, फिर धा धा, किसी वजह से इन्होंने सारे गामा पर्दा नहीं सक लिया होगा। ये सारे जो आपके तंतु हैं जिन जिन जगहों से आपके गले से आवाज़ निकलती है उनको हम एड्रेस करते हैं इन रियाज से। धा
याद रखना, लंबा छोड़ना मत सांस जल्दी। और मुंह खोल के आ धा धनी धा। और अगर आप रियाज कर रहे हो और आपकी आंखें बंद हो तो कोई शर्म की बात नहीं। यहाँ पे हम जब भी रियाज करते हैं तो हम अपने आप से सब इतने अंदर घुस जाते हैं कि हमको अपने अंदर बैठा हुआ भगवान मिल जाता है। तो वो जिसे आप, मैं बार बार कहता हूँ, कोई इसको भगवान कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई है, तो एक ही चीज़ सभी के अंदर में। जब आप रियाज करते हैं तो आंखें बंद करके आपको अपने अंदर में वो बैठा हुआ मिलेगा या मिलेगी। लड़का भी नहीं, लड़की भी नहीं है, वो एक अलग पावर है जो हम सबके अंदर में है। आप जब रियाज अच्छा करेंगे तो आपको वो अंदर महसूस हो जाएगा। पे आते हैं पा, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोग गाते रहिए। गौर करना, मैं बिल्कुल तकलीफ देके रियाज नहीं कर रहा। से सांस भरते रहेंगे, और इवन जिनकी जिनको कुछ सांस की परेशानी भी है वो इससे ठीक होते रहेगी। वेवर नहीं करना, ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट टाइम आप लोग ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ही कर लेना आप। ये मैंने आई डोंट नो, मैंने अपने पे सोनू निगम चैनल पे किया है कि नहीं, आई डोंट नो। जल्दी में मैं यू कैन सब्सक्राइब, बिकॉज अगर मैं सडनली डिसाइड किया मैंने कहीं पर आपको आपके साथ में रियाज करने का, तो मैं उसके पहले प्रायर नोटिस नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। तो फिर आप लोग अगर सब्सक्राइब होंगे सोनू निगम चैनल से तो यू विल बी एबल टू गेट द नोटिफिकेशंस। हैं पे आ गए हम लोग। अब माँ पे क्या आ रहा है? माँ पे आपका नाक, गला और हल्की सी छाती आ रही है। माँ माँ नहीं करना हमको, माँ भी नहीं करना। अगर आपकी आवाज़ हिल भी रही हो तो डोंट वरी अबाउट इट, कर करके ही आता है। और मैंने आपको कहा था कि कभी भी पूरा नहीं आएगा। ऐसा कोई भी नहीं दुनिया में जो
सबसे परफेक्ट सिर्फ खुदा होता है, भगवान होता है। गॉड इज़ दी एपिटमी ऑफ परफेक्शन। सो आप उम्मीद भी मत कीजिएगा कि कोई भी परफेक्शन के उस लेवल पे पहुंच जाए। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ अच्छा गाएं, और हम लोग कोशिश करें कि हम लोग सही गाने को समझें और सही गाने की रिस्पेक्ट करें। ऑल्सो डूइंग गुड रियाज कैन मेक यू अ बेटर पर्सन। आपकी आपकी आँखें शांत हो जाएंगी, आपका दिल साफ़ हो जाएगा, और आप ज़िंदगी का पाठ जल्दी समझेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल हायर पावर क्या है, जिसको हम रिलीजन में ढूंढते हैं, जिसको हम धर्म में ढूंढते हैं, वो एक्चुअली हमारे अंदर में बैठा हुआ है। तो ये आपको अच्छे रियाज के बाद में समझ में आएगा। लंबा कीजिए, लंबा कीजिए। गंधर पे आ गए हम लोग, अगर आपका नहीं आ रहा होगा तो आप पाप रहो मगर मैंने इसलिए थोड़ा लास्ट में जल्दी किया ताकि आप लोगों को मैं बात कह पाऊँ कि सा नी धा पा म ग रे सा। ऐसा कहीं भी नहीं, जितना हो सके इजीली कीजिए और गाने में क्लास आ जाएगी। ओके, आई थिंक आज पहली बार के हिसाब से द सेशन वॉज डिसेंट। मैं खुद पहली बार कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच कर तो नहीं आया था। कुछ जो लोग म्यूज़िक के शौकीन हैं वो जानते हैं कि अगर रियाज किया जाता है तो उसमें मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती। आई कांट ट्राई टू आउट स्मार्ट यू, इसलिए सिंपल रखा है इसे मैंने। अगली बार फिर आऊँगा तो मैं आपको कुछ और बातें जैसे जैसे दिमाग में आते रहेंगे मैं आपको कहता रहूँगा। ठीक है, आप अभी मैं वीडियो कट कर रहा हूँ, बट यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग। सा नी धा पा म ग रे सा, अभी ऊपर हम गए नहीं। ठीक है, फिर सा रे गा मा प ध नी सा, सा नी धा पा म ग रे सा, सा रे गा मा प ध नी सा। बट लंबी लंबी एक एक सुर को तीन तीन चार चार पाँच मिनट तक आप सा। कुछ तो पूछना कि हाउ टू स्किल, हाउ टू सिंग इन ऑल स्केल्स, यही जो समझा रहा हूँ उसी पे होगा। ठीक है, अगली बार टाइप कम करना, रियाज ज़्यादा करना। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस। जीते रहिए, खुश रहिए, और घर के अंदर रहिए, और आपसे फिर मिलता हूँ मैं। शांति रखिए हमेशा। ओके, बाय।